नमस्कार, अभिलाषा कुक इज पॉट एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ कोई रेसिपी नहीं बल्कि किचन की बहुत ही छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी ऐसी चीजें जो हमारे बहुत काम आने वाली हैं, रसोई में बहुत मदद मिलती है, मैं इस तरीके के टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। जब भी आप आंवले की कली निकालना चाहते हैं तो आप पहले आंवले को 2-3 बार पानी में अच्छे तरीके से धो करके साफ कर लें और किसी छन्नी में रख लें जिससे उसका पानी झड़ जाए, और पॉलीथिन में भर लेंगे। पॉलीथिन में भरने के बाद उसे इस तरीके से टाइट कर लेंगे और अब इस पॉलीथिन को आप फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में जब आप इसे रखेंगे तो 2-3 दिन बाद निकालें और इसकी सारी की सारी फांके निकाल लेंगे। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल वाला मटर पनीर बनाना चाहते हैं तो मटर पनीर की ग्रेवी आपको एकदम थिक चाहिए, एकदम होटल स्टाइल। उसके लिए क्या करें, जब आप इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो इसका जो मसाला बनाएंगे तो आप सारे मसाले, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर सबको पहले भून लें थोड़े से तेल में और उसके बाद उसका पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट का जब आप मसाला ग्रेवी तैयार करेंगे तो आपकी जो ग्रेवी तैयार होगी मटर पनीर की, वो एकदम थिक और कलरफुल, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर तैयार हो जाएगा। आप अक्सर देखेंगे कि जब भी ब्रेड का पैकेट आता है और जितनी ब्रेड इस्तेमाल हुई उसके बाद हम फ्रिज में रख देते हैं ब्रेड को। ब्रेड को फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, मतलब जैसी हमें सॉफ्ट पसंद है वैसी नहीं रहती है। तो इसको अगर आप फिर दोबारा एक दिन बाद खाना चाहें और फ्रेश करना है तो फिर आप बहुत ही आसान तरीके से जितनी भी ब्रेड स्लाइस आपको चाहिए हैं इन्हें आप निकाल लें और प्लेट में लगा दें, ग्लास प्लेट में, कोई माइक्रोसेफ प्लेट में, और माइक्रोवेव में इस प्लेट को आप 1 मिनट के लिए रख दें। तो आप जब बाहर निकालेंगे तो ब्रेड एकदम सॉफ्ट रुई जैसी वापस फिर से नरम ब्रेड तैयार मिलेगी आपको। अदरक वाली चाय पीना हर किसी को पसंद होता है और सर्दियों में ये दिन भर बनती है, दिन में कई बार बनती है, और हर बार आप अदरक को छोटे से टुकड़े को कसें या उसे कूटें तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अक्सर क्या करें, आप जितनी भी अदरक की गांठ है इसे 4-6 गांठों को कद्दूकस करके किसी भी डब्बे में भर के रख लें। जैसे इतना करें कि 2 दिन चले। अगर दिन में 4 बार चाय बनती है तो 1 दिन की 4 चम्मच के हिसाब से, 2-3 दिन के हिसाब से इस तरीके का आप बना लें और उसको डब्बे में भर लें। और उसके बाद जब भी आप चाय बनाएंगे, बस चाय जब पानी खौल रहा होता है, चीनी चाय की पत्ती, उसमें आप कितने कप चाय बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको कितनी अदरक लगने वाली है, तो बस आप चम्मच से उसको निकालेंगे और डाल देंगे। ये बार बार का झंझट नहीं कि हर बार अदरक लो फिर कूटो या कसो, जैसे मैं कस के डालती हूँ हमेशा, तो फिर उसको कसने में फिर जो थोड़ा थोड़ा सा कसो, ऐसे क्या होता है डब्बी में भरी रखी रहती है अदरक कसी हुई और जितना हमें डालना है, या कई बार सब्जियों में हमें अदरक का पेस्ट डालना है तो बस हम उतना ही निकाल करके इस्तेमाल कर लें और उसके बाद डब्बे को फ्रिज में रख दें। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही काम वाला है, मतलब ये सारा दिन अदरक कसना और हर चीज के समय में फिर वो छोटी सी अदरक फिर उसको डालो फिर धुल के रखो वो कद्दूकस वाला, इसे इस तरीके से कद्दूकस करके रख लें और जब चाय बनाएं तो चाय बनाते समय चम्मच से डाल दें और चाय तैयार हो जाएगी। जब भी सब्जी आए तो जो सैलड वाली चीजें हैं जैसे नींबू है, टमाटर है, खीरा है, हरी मिर्ची है, गाजर है, मूली है, इनको हमेशा वॉश करके रखें, हमेशा। कुछ सब्जियां रह भी जाएं लेकिन इनको ज़रूर करें, क्योंकि कई बार होता है सलाद खानी है, खाते वक्त बीच में से याद आ गया, हरी मिर्ची उठा ली, फ्रिज में से निकाल लिया, गाजर निकाल लिया। हरी मिर्ची तो नॉर्मल ही होता है कि खाते वक्त लोग बीच में से मिर्ची चाहिए ले लेते हैं, तो उसी वक्त धुलने में कोई आलस करता है तो फिर वो गंदी मिर्ची खा लेगा। इससे अच्छा हमेशा पहले ही आप धो के रखो फ्रिज में, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जब भी हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो ये मिर्ची के डंठल तोड़ना, इससे अच्छा है कि जब आप सारी मिर्ची आती है तो आप पहले उसको धो लें, पानी पूरा उसका सूख जाए, उसकी सारी डंठल तोड़ लें, तो ये थोड़ा थोड़ा कचरा भी नहीं होता है और इसमें सलाद के समय में भी धुली मिर्ची मिलेगी। आप कुकिंग कर रहे हैं तो 2 हरी मिर्ची, हमेशा 2 या 3 हरी मिर्ची चाहिए, वो बार बार पानी में हाथ नहीं लगेगा, फिर आप धो रहे हैं हरी मिर्ची फिर डाल रहे हैं और इस तरीके से साफ रखी रहती है। और सबसे अच्छी बात, डंठल निकालने के बाद हरी मिर्च ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है, क्योंकि हमेशा डंठल से ही मिर्ची सड़नी शुरू होती है। तो ये तो इस तरीके ऐसे हरी मिर्ची रखेंगे तो मिर्ची खराब नहीं होती है और कचरा भी बार बार नहीं होता है।
अक्सर जो मार्केट से मसाले लाते हैं वो मसाले अगर आप बाहर रखते हैं, जैसे कुछ ऐसे मसाले, छोले मसाले, राजमा मसाले, पाव भाजी मसाले, सांभर मसाले, ऐसे पैकेट्स होते हैं जो हफ्ते में एक बार कुछ चीज़ें बनती हैं, उसके बाद वो पैकेट बाहर में रखी रहती हैं तो अक्सर कीड़े लग जाते हैं। तो आप क्या करें कि उन मसालों को आप इस तरीके से फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में रखने से मसाले ख़राब नहीं होते हैं। का जो स्टैंड होता है उसमें जब हम इडली बनाते हैं, ये जर्मन का होता है, तो ये नीचे से काला हो जाता है, क्योंकि 15-20 मिनट तक हम इडली बनाते हैं तो पानी डाल करके भाप में पकाते हैं तो पानी खाली नीचे रहता है, तो जो स्टैंड है अक्सर आप देखेंगे नीचे अंदर से वो काला हो जाता है। तो आप क्या करें, जब भी आप इडली बनाएं तो इसके स्टैंड में पानी के साथ आधा नींबू का टुकड़ा डाल दें, उसके बाद आप इडली स्टैंड की प्लेट्स लगाएं उसमें। उससे जब इडली तैयार होंगी और जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे जब पानी खौलता है तो उस गर्म पानी में जो नींबू डाला है इसकी वजह से जो अंदर कालापन है वो एकदम साफ़ हो जाता है और आपका इडली स्टैंड एकदम क्लियर हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले एकदम ब्लैक था और अब ये वाइट हो गया। अब जब आप इसे पानी से निकालने के बाद जब साबुन लगा के घिसेंगे तो एकदम सफ़ेद हो जाएगा, जैसे पूरा ऊपर का वाइट दिख रहा है वैसा है, वैसे नीचे से एकदम साफ़ हो जाता है। जब भी आप आंवले की कैंडी बनाएं तो उसकी जो चीनी डालते हैं आंवले में, उसके कैंडी के साथ जो चाशनी तैयार होती है एक सीरा जैसा बन जाता है, तो आंवले का पानी होता है उसमें, उसे आप बॉटल में भर के रख लें, जिससे आप गर्मियों में आंवले का शरबत भी बना सकते हैं। यानी कि आप आंवले की जब कैंडी बनाएं तो उसकी चीनी की चाशनी को भर के रखें तो शरबत भी तैयार हो जाएगा और कैंडी भी तैयार हो जाएगी। इससे चीनी वेस्ट नहीं होती है और अच्छी तरीके से कैंडी में अंदर तक चीनी पहम जाती है। दोनों ही चीज़ें तैयार होती हैं, आंवले का शरबत और आंवले की कैंडी। जब भी हम इडली बनाते हैं, अक्सर 4 स्टैंड की है या 3 स्टैंड का है, जितनी भी प्लेट्स होती हैं तो उनमें हम इडली बैटर डालते हैं, उसके बाद 2 चम्मच बैटर बच जाता है। तो आप 2 चम्मच बैटर का फिर से अलग से एक प्लेट में इडली तो नहीं बनाएंगे, इससे अच्छा है हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और हरा धनिया डाल करके उन्हें मिक्स कर दें उस बैटर में। नमक, काली मिर्च अपनी पसंद के अनुसार डाल दें, लाल मिर्ची डालें और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लें। तो ये देखिए, इस तरीके का जब आप बैटर तैयार कर लेंगे तो अब जो 2 चम्मच बचा हुआ इडली का बैटर है उसका यूज़ सबसे अच्छा है, आप इसका उत्पम बना लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है और आपका वो 2 चम्मच बैटर का यूज़ इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है। क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स, तवे पर आप इस तरीके से फैला करके डोसे जैसा बना लेंगे और चटनी और सॉस के साथ सर्व करें। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और आपके उस 2 चम्मच के बैटर का यूज़ बहुत अच्छा है। रात दिन में अक्सर चावल बच जाते हैं, तो आप शाम में बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगे तो प्याज, टमाटर, मटर, हल्दी, नमक ये सारे मसाले डालकर अपनी पसंद के अनुसार इस चावल को फ्राई कर देते हैं, तो बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं और ये फ्राइड राइस खाने में भी टेस्टी होता है और दिन के बचे हुए चावल का बेस्ट यूज़ है। इस तरीके से चावल फ्राई करें तो बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी आप गाजर का जूस बनाते हैं तो गाजर के जूस में एक खट्टा मीठा सा टेस्ट लाना हो तो आप क्या करें, उसमें ऑरेंज मिला लें। जितना भी आप गाजर ले रहे हैं उसमें 1 या 2 संतरा ज़रूर डाल लें, उससे जो इसका जूस का टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो आप गाजर के जूस में संतरा डालकर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि गाजर का सिंपल गाजर का टेस्ट उनको उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब ऑरेंज मिला लेते हैं तो गाजर के जूस का जो स्वाद होता है वो बच्चों को भी भाता है और बच्चे भी बहुत ही आसानी से गाजर का जूस पी लेंगे। अब टेस्ट भी और हेल्थ भी मिलेगा। अक्सर हमने देखा है कि लोहे के तवे पे चीले बहुत अच्छे सिकते हैं, हालांकि नॉन स्टिक में सिकते ही हैं नो डाउट, लेकिन जो करारापन लोहे के तवे पे आता है वो नहीं आता है। तो क्या करें, जब भी आपको लोहे के तवे पर चीला बनाना है तो पराठे जिस दिन बनाएं उसका तवा ना धुलें, इससे जब आप चीला फैलाएंगे तो लोहे के तवे पर भी चीला एकदम पहली बार से लेकर आखिरी बार तक पूरे चीले एकदम आसानी से पलट जाते हैं। होता ये है कि लोहे के तवे पे चीला जब बनाते हैं तो चिपक जाते हैं, वो पलटते नहीं हैं, इसीलिए लोग आजकल नॉन स्टिक तवे का यूज़ करने लगे हैं, लेकिन मुझे
लोहे का तवा बहुत पसंद है। इससे जो करारापन आता है, जिसमें हम खूब अच्छे से घी तेल डाल सकते हैं, वो नॉन स्टिक में नहीं हो पाता है। तो आपको जिस भी दिन चिल्ले बनाने हो, उस दिन आप पराठे बना लो और पराठे के बाद तवे को धुलो मत। उसमें जो चिकनापन रहता है, तवे पर चिकनाई जम जाती है, उससे आप पहले से लेकर आखिरी तक डोसा हो या चिल्ला हो बहुत ही आसानी से फैला सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक भी नहीं चिपकता है। मतलब अभी आपने देखा, ये मैंने सुबह पराठे बनाए थे और ये शाम में हमने चिल्ले बनाए हैं, तो तवा मैंने वैसे रख दिया था। और उसके बाद ये देखिए, पहले से लेकर के आखिरी तक उसी तरीके से पराठे सिकते चले जाती हूँ और ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चिकनाई होती है। तो बस बीच बीच में ही डालना होता है तेल, जब आपको ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से थोड़ा सा ले और डालें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार बहुत तेल लगाना है। तो नॉन स्टिक वाला काम भी करता है, कि कम चिकनाई में आपने अपना कुकिंग कर लिया और बहुत ही करारे सिकते हैं। लोहे की जो कढ़ाई होती है, उसको धुलने के बाद जब भी आप रख देते हैं, तो ये देखिए जंग जैसा पानी चिपक जाता है उसमें। लोहे की तवा हो या कढ़ाई हो, आपने कितनी भी मेहनत से उसे घिसा हो, साफ किया हो, लेकिन अगर पानी रह जाता है तो जंग खाता है। इसलिए धुलने के बाद इमीडिएटली आप कपड़े से उसको रगड़ के पोंछ लेंगे। कपड़े से पोंछने के बाद लोहे के जो तवा या कढ़ाई, लोहे के बर्तनों में जंग नहीं लगती है। इसलिए हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है कि आपने घिस घिस के साफ किया और रख दिया और अगले दिन देखा तो जंग लगी हुई है। तो इस तरीके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।